देखिए आपने पहले पढ़ा था कि कौन सा पढ़ा था, मुस्लिम अटैक, ठीक ना? तो सबसे पहले कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। हाँ तो मोहम्मद बिन कासिम आए थे कितना, 712 और 13 में। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम, लिख लो मोहम्मद बिन कासिम, इतने में आए थे ना ये सिंध और मुल्तान। हाँ और फिर आप क्या आए थे, कौन? गोरी एंड गेट। गजनबी और मोहम्मद गोरी ये आया था ना, क्या? हाँ तो ये थे दोनों ही तुर्की, कौन से? तुर्क से आए थे ये, ठीक है? तुर्क मैंने बताया था ना, कंट्री नहीं, क्या? हाँ ग्रुप ऑफ कंट्री है, ठीक है? तो इनका मैंने बता ही दिया था, ये कब आया था? 1001 से लेकर के 27 तक इसने क्या किया, 17 टाइम अटैक किया इंडिया पर। और हाँ तो अपना टेंपल पर, अरे कितना कब में किया था कि 1025 में इसने जो है सोमनाथ टेंपल को लूटा, 1026 में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और 1027 में क्या किया, जो इनका विरोध किया था, किन्होंने, जो जाट थे, उनसे लड़ने के लिए आया था, बदला लेने आया था कि हमको घेर के जो है लूट दिए थे, हम कहाँ कितनी मुश्किल से सोमनाथ टेम्पल को लूट के आए थे और तुमने हमारा लूटा हुआ ले लिया। तो इसलिए क्या किया, इनसे बदला लेने के लिए आया था। और फिर ये यहाँ से चला जाता है, फिर आता है उन्हीं के इधर से एक जो है, कौन? मोहम्मद गौरी। कब आता है? 1075 में आता है, ठीक है? अटैक करता है 1007 का 1105 में। हाँ 11 में आएगा, कितने में आता है? इससे पहले क्या आता था? इससे पहले तो हमने आपको बताया था उसमें, हाँ राजपूतों में सब चलता रहा है, जैसे पृथ्वीराज चौहान वगैरह ये सब थे। तो ये कहाँ से आया था? हाँ गजनी से, गजनी, यही गजनी का ये तो था। तो हाँ तो वहीं से आया था और वहीं पृथ्वीराज चौहान को पकड़े ले जाता है, कौन सा बैटल में? तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में क्या करता है, हार जाता है, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ ले जाता है, चंद्र बदायक ले जाता है, दोनों मर जाते हैं। फिर ये क्या करता है, जिनसे मदद ली होती है कौन होते हैं? हाँ तो हाँ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और फिर आता है ये आपका, हाँ बैटल ऑफ चंदाबर, इसमें किसको मारता है यहाँ? जयचंद। जयचंद कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी थे, यहाँ ठीक है। तो चलिए यहाँ मैंने बताया था कि जो जजिया कर था वो किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है? हाँ सही कहा, खैबर पास और गोमल पास जो हिंदू को हिल्स में पाया जाता है, हिंदू को हिल्स में बताए थे सिंध नदी के उधर यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है बॉर्डर जैसा बनाता है, वहां पर बहुत बड़े बड़े क्या है पासेस हैं जहाँ से ये लोग आते थे इंडिया में। तो चलिए हाँ बताइए कौन सा था, जजिया कर, जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और किन किन लोगों पर नहीं लेता था?
हाँ, तो देखो चाइल्ड पे नहीं लेता था, वुमेन पे नहीं लिया, सिटीजनशिप से ओल्ड सिटीजनशिप का है सिटीजन, हाँ बुड्ढो पे नहीं लिया, तो और कौन था, ब्राह्मण थे, तो ये पांच लोगों पर कर नहीं लेता। लेकिन ये क्या था, गैर मुस्लिम था, यानी कि बिना जो मुस्लिम नहीं है लोग, उन्हीं पे नहीं, उन्हीं पे लिया जाता था खाली, मुस्लिम का कोई भी आदमी था उस पर कर नहीं लिया जाता यार। और ये बेकार का कर लिया था और कहते थे हम ये सुरक्षा कर ले रहे हैं, ठीक है कि हम आपको जो है सर्व करेंगे, क्या करेंगे, सेफ्टी दिलाएंगे, ठीक है, यानी कि दूसरे लोगों को भी नहीं लूटने देंगे और हम भी नहीं लूटेंगे, लेकिन उसके लिए तुमको जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये जजिया कर जो था बिल्कुल फालतू का टैक्स लिया जा रहा था। फिर ये किसने, इसमें दूसरे लोग आए, कौन, नहीं अकबर नहीं, फिरोज शाह तुगलक आते हैं पहले, फिरोज शाह तुगलक क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को हटा के बाकी सब पर लेते हैं, फिर क्या कहते हैं, अकबर आते हैं, वो उसको उसको तब तक बंद कर दे रहे हैं, कहते हैं रिजिया कर नहीं लिया जाएगा। फिर कौन आता है, औरंगजेब, उसको स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं। और फिर आते हैं रंगीला, क्या नाम, हाँ मोहम्मद शाह जो है इसको खत्म कर देता है। बताइए अल बरूनी, फिरदौसी और उत्बी, किसके, महमूद गजनवी के हिस्टोरियन, जो है क्या हिस्टोरियन है, हाँ कोट कोट कह सकते हैं, राइटर है। सबसे अच्छा, हाँ फिर आता है आपका स्लेव डायनेस्टी, बताया था ना, हाँ। स्लेव डायनेस्टी में कौन, मोहम्मद गौरी पहले क्या करता है, अपनी बेटी की शादी कर देता है किससे, अपने स्लेव से करता है ना, तो देखिए कौन सा था, स्लेव डायनेस्टी, हाँ तो बताओ, यस स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहला कौन सा, कौन स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ। तो उसने अपनी बेटी की शादी करवा ली थी, कौन है, मोहम्मद गौरी के, महमूद गजनवी, हाँ ठीक है। तो उसने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक से, तो पहला आया था इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक था पहले, ठीक है। ये क्या था कि इनका मोहम्मद गौरी का दामाद था, और पहला उनका क्या कहते हैं कि गुलाम भी गया, स्लेव था, ठीक है, तो स्लेव था, इसलिए जो है यहाँ से स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। लेकिन स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर ये नहीं है, ठीक है, हाँ इसको सब बना बनाया मिल गया था। और इसने क्या क्या कराया था, इसके और नाम क्या क्या था, हाँ तुम बताओ, हाँ हातिम, हातिम किस लिए कहते थे, हाँ मददगार था बहुत बड़ा, इसलिए इसको हातिम बोलते थे। लाखवत क्यों बोलते थे, काम कर रहा है इसलिए लाखवत भी इसको बोलते थे। और कुरान खान, यानी कुरान का बहुत बड़ा ज्ञाता था इसलिए। और इसने ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया था, हाँ अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि अढ़ाई दिन में ही बना दिया था, टू एंड हाफ डेज में। तो संस्कृत संस्कृत कॉलेज स्कूल था, लेकिन बनाया कहाँ गया था, हाँ अजमेर में था, तो अजमेर में था ढाई दिन का झोपड़ा। दिल्ली में कौन सी मस्जिद बनवाई थी, कुवैतुल इस्लाम, ठीक है, कुवैतुल इस्लाम दिल्ली में मस्जिद बनाई थी, राजेंद्र झोपड़ा अजमेर में, ठीक है, संस्कृत स्कूल था ये। और इसके टीचर्स कौन थे, इसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
जिनके सम्मान में यीशु ने इसने क्या किया था, कुतुब मीनार बनवाने का कार्य किया, और ये क्या अधूरा छूट गया। फिर आते हैं कौन इनके बाद, हाँ शमसुद्दीन यूसुफ ने इसको क्या करते हैं पूरा कराते हैं। फिर इस पर एक बार बिजली गिर जाती है तो दूसरे आते हैं वो उसको जो है फिर ये टूट जाते हैं, तो फिर से बनवा देते हैं ऊपर ठीक और हो जाए। फिर क्या कहते हैं आता है वो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, वो कहता है कि हम अपनी बनवाएंगे मीनार इससे भी ऊंची, और बनाना स्टार्ट करता है। लेकिन क्या कहता है कि वो उसका कौन होता है वो सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का, अरे तो अब उसका सेनापति जो होता है वो बनाता है इसको, अरे अच्छा नाम उसका कुछ क्या नहीं बताते हैं, रुक जाओ मलिक कपूर, मलिक कपूर क्या कहता है कुतुब मीनार के सामने जो है बनाना स्टार्ट करता है दूसरी कुतुब मीनार, कहता है कि हम जो है इससे बड़ी बनाएंगे। लेकिन क्या किया उसको पतला से बनाया, ऊपर पता लगा कि वो जो है गिरने वाली, कह रहा कि महाराज अभी आगे नहीं बन पाएगी, उन्होंने कहा ठीक है इसको यहीं पर रख दो, और इधर इसको क्या किया एक गेट बनवा दिया, उसको अलाई दरवाजा कहा जाता है कुतुब मीनार का। क्या और क्या नहीं, चलो ये तो अभी आगे आएगा। तो ये भी जो है कुतुब मीनार बनाने के लिए रहते हैं लेकिन ये बनती नहीं है। तो देखिए अब कौन आता है ये, हाँ मर कैसे जाता है, हाँ चौगान या पोलो खेलते समय जो है गिर जाता है, और घोड़ा जो है सीधे इनके पैर रख देता है गर्दन पे, ये चले जाते हैं। और फिर आता है कौन संसदीय बिल्कुल में, हाँ हाँ तो आराम सा होते हैं, आराम सा को यहाँ बैठाया जाता है सीट पे, कौन आता है आराम सा, ये आते हैं ये एक साल के अंदर, ये कैसे कब तक रह गया है 1206 से 10th 9th, हाँ अंदर तक आ रहा। अब फिर ये आता है नहीं ये एक साल का, हाँ 11 कितने तक आता है ठीक है। अब उसके बाद जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश में पा जाते हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ठीक है, ये आते हैं 12-11 में ठीक है, हाँ 12-13 तक ये रहते हैं। ये क्या कहते हैं ये जो है अयोग्य शासक होता है, इसको कुछ पता ही नहीं होता है, हाँ हाँ। तो देखिए तो क्या कहता है ये अयोग्य शासक था इसलिए इसको हटा के सब लोग इसको बना देते हैं ठीक है, और ये सारे क्या थे एक दूसरे के गुलाम ही होते थे ठीक है, हाँ तो ये रियल फाउंडर होता था स्लेव डायनेस्टी का। और ये जो है किसको अपने यहाँ शरण देने से मना कर देता है, हाँ कौरिजम शाह जो आते हैं इनसे मदद मांगने से, हाँ तो हाँ चंगेज शाह जो है उसको जो है भगाता वाले आता है, और ये इनसे मदद मांग रहा है कि महाराज इनको बचा लीजिए हमारी जान को खतरा है, तो कहते हैं ठीक है आपकी जान खतरा है हमारे यहाँ रुक जाइए, रोक लेता है रात में खाना खिलाता है, और उसी समय पहुँचता है कि भाई ये कौन तुमको मार रहा था, तो कहा कि चंगेज शाह, कि चल उठ भाग यहाँ से, तुरंत उसको पकड़े भगा दिया, क्यों क्योंकि चंगेज शाह एक ऐसा इंसान था हाँ तुरंत मार काट के निकल लेता था, और तो भी देखना तो इनकी सेना जो है किनके किनके गले काटती है। चलिए देखिए तो इनको जो है इससे जो है वो दिल्ली को बचा लेता है ठीक है, दिल्ली को यहाँ से बचा लेता है, हाँ नहीं ठीक। देखिए अब इन लोगों ने अपनी जो वो कैपिटल रखी थी वो कहाँ थी, लाहौर में, लाहौर में थे, और इसने कहाँ बनाई थी, दिल्ली में बना ली थी। तो दिल्ली में कैपिटल कौन लाया था सबसे पहले, शमसुद्दीन इल्तुतमिश में ठीक है, इसने सिल्वर कॉइन टका कॉपर कॉइन जीतल और एकता सिस्टम स्टार्ट किया था क्या, हाँ प्रिंस बोलिए
सर अकबर के बाद कौन सा राजा आता है? अभी वो सारे बताएंगे इधर के लिए, उतनी दूर पहुंच जाओगे तब तक भूल जाओगे इधर का, तो सब लाइन से बताएंगे ठीक है। अकबर आएंगे कि ना 1500 के बाद में, ठीक है 1500 कितना आता है, 1556 के आसपास आते हैं अकबर, ठीक है। तो अभी अभी तो आप कहाँ 1200 पे है ना, तो ये पहले खत्म कर दे फिर आएंगे आगे। हाँ 300 साल पहले मत उनको लाग रही, इनके दादा परदादा का काम चल रहा है अभी। हाँ तो देखो इसने एक ग्रुप बनाया था 40 लोगों का, जो कि कह रहा था इनके कोर्ट में डिसीजन लेता था, ठीक है। तो अब जब ये मरता है, क्यों जब ये मर जाता है तब यही 40 लोग क्या करते हैं, ये पहले डिसाइड कर जाता है कि हमारा जो है अगला जो है राजा यहाँ का शासक बनेगा कौन, रजिया सुल्तान। लेकिन रजिया इनकी जो पत्नी होती है वो क्या करते हैं, अपने बड़े बेटे को बिठा देते हैं। कौन होता है इनका बड़े, रुकनुद्दीन को। रुकनुद्दीन क्या करता है, वो भी एक अयोग्य शासक होता है, तो ये 40 लोग उससे भी मतलब सब लोग उससे जो है उसे अपना राजा नहीं मानते थे, असहमत होते। तो रजिया सुल्तान क्या करती है, इसको हटा देती, अपने आप बैठ जाती है। लेकिन उन्होंने कहा ये 40 लोग फिर से खफा हो जाएगा कि देखो कि यहाँ पर क्या है, अभी आज तक कोई मुस्लिम शासक नहीं बने हैं और ना हम मुस्लिम को अपना यहाँ का शासक मानेंगे, इसीलिए जो है रजिया को नहीं मानते थे, क्योंकि रजिया पहली और आखिरी मुस्लिम शासक थी, ठीक है। तो अरे वही चाची का, ठीक है। तो रजिया क्या करती है, अपने दोस्त किसको लाती है, याकूत। ये यहाँ पर कौन आता है पहले, रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन और फिर आ रही है रजिया, और रजिया लाती है किसको, याकूत को। याकूत को बिठा देती है किससे, अल्तुनिया से, अल्तुनिया। और अपने आप क्या करती है इससे, शादी भी कर लेती है, ठीक है। और बाद में यही इसको क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है। फिर देखो इनका आता है कौन, रजिया सुल्तान का भाई बैरम था, तो यही जो चालीसा होते हैं यही लोग जो है इसके भाई को बना देते हैं। कौन आता है, बैरम था, बैरम था। ये कब से कब तक, 36 से 1236 40 तक, यहाँ ये रहे थे। और फिर ये आता है 1240 से कुछ ही दिनों तक रहता है, 42 तक, ठीक है। तो ये 42 तक कौन रहता है, बहरम का। और इसका क्या काम होता है, ये जो है बहुत इसने शासन क्या किया कि इसको पहले ये तो मिल ही जाता है इतना शासन पूरा बना हुआ, लेकिन क्या कहता है ये भी बहुत इधर उधर से लड़ाई करता रहा है। तब से जो है ये पूरा अपना राज्य अपने आप चलाना चाहता था, इसी चक्कर में क्या गया किसी से साजिश करके इसको भी लोग मार देते हैं, ठीक है। और इसके मरने के बाद आता है कौन, मसूद शाह। हाँ अब देखो मसूद शाह जो आते हैं इसके इसको आप कर देते हैं किराने। हाँ रुकनुद्दीन का बेटा आता है मसूद शाह, मसूद शाह रुकनुद्दीन का बेटा या फिर कह सकते हैं उल्टित मिश्र का पोता। क्या नाम था उसका, मसूद शाह, मसूद शाह। कब आता है आपका, ये 1242 से लेकर 46 में, ठीक है। एक थे मलिकाए जहान, मलिकाए जहान ये कौन थे, नहीं ये हैं वाइफ ऑफ इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश तो मर चुका था, उसका बेटा आया था बहरम का, ठीक है। पहले कौन आया था, रुकनुद्दीन आया था, रुकनुद्दीन पहला था, दूसरे पे रजिया आई, तीसरे पे ये आया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने बेटे को इसमें बैठा दी गद्दी पे। लेकिन ये मलिकाया जहान जो थी वाइफ ऑफ कौन, इल्तुतमिश,
इन्होंने क्या किया, इन्होंने साजिश रची और कहा कि हमारा पोता नहीं बैठेगा गद्दी पर जब तक हमारे बेटे मौजूद हैं। इन्होंने क्या किया, अपने जो है फोर्थ सन को उठाया वहां से। फोर्थ इनका कौन सा था? कौन था? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन तो इनके जो माँ होती है कौन, मलिकाया जहां, इसके नसरुद्दीन के ये इनको बैठा देते हैं यहाँ पर। तो नसरुद्दीन जो आते हैं, नसरुद्दीन ये आते हैं 1242 से लेकर के 1240 नहीं 1266 तक ना, ये क्या करता है, ये यही देखो इनको बैठाता है, यही जो है इनको बनाता है, और बाद में जो है जब ये मर जाते हैं तब ये अपने आप आता है। और सबसे पहले क्या करता है, जो चालीसा था इसको तोड़ता है पहले, तो कहता है 40 लोगों के हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से चलेगा, ठीक है 40 लोगों को इसमें हाथ में लेगा। और इसने जो है स्पाई व्यवस्था चलाई। स्पाई मतलब क्या था, मंगोलों से बचाने के लिए, मंगोलों से दिल्ली को बचाने के लिए इसने बहुत सारी सेना बनाई, ठीक है आर्मी स्टैब्लिश की, जिससे कि जो है दिल्ली के लिए जो है लड़ सके, दिल्ली को सुरक्षा देने के लिए बहुत सारे इसने आर्मी बनाई। और उसका नाम क्या था, दीवाने दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज क्या नाम था, हाँ ये इसकी जो थी आर्मी, ठीक है फिर दीवाने अर्ज नाम की इसने जो है आर्मी स्टैब्लिश की थी, इसको दिल्ली को सुरक्षा कर दिया। अब देखो इसको जो है गयासुद्दीन बलबन को जिले इलाही गुजरे, जिले इलाही का मतलब क्या होता है, चलो आप और ये एक उपाधि किसने दी थी, या फिर पर्शियन देख पर्शियन गोल्ड मॉडल ने दी, ठीक है। और इसने दो क्या थे स्कीम अपने यहाँ लॉन्च की थी, एक थी सिविला और एक थी पीपोस, पीपोस पैबोस पैबोस सिविला और पैबोस का मतलब क्या था, सिविला का मतलब था कि कोई भी यहाँ आएगा तो राजा के कदम सामने पहले जमीन में लेटेगा, हाँ, और राजा तो पैबोस करेगा, हाँ
और किबोर्ड का मतलब था तो उनके पैरों को छूना, ठीक है। तो यहाँ पर है ऐसे तो सीधे पैरों पर गिरना, बोला ना ऐसे करते हाँ। और जो है ये था पैरों छूना, पैरों को छूना, ठीक है। इसमें दो इसमें जो व्यवधान यहाँ लागू होते हैं, यहाँ कोई भी आएगा पैरों पे गिर के पहले सलाम, पहले सलाम करेगा पैरों पे गिर के, और बाद में जो है पैरों को ही चुनेगा, उसके बाद जो है इसकी इंद्री उसका कुछ कहा सुना माना जाएगा। अब देखो जब आता है आपका टाइम, ये आया था कौन सा, हाँ ये 1266 से लेकर के 87 तक आया, ठीक है। फिर इसका क्या था, 87 दो साल इसके पहले देखो 85 में, 1285 में क्या होता है, इसका जो बेटा होता है बड़ा जिसको ये बहुत मानता था उसको क्या कहते हैं चंगेज खान के ना सर काट गया और पूरा शरीर अपने भाले में रखना ले जाता है चंगेज खान के सेना मंगोल, तो मंगोलों के आक्रमण में क्या था ये मारा जाता है, उसका नाम था मोहम्मद क्या है मोहम्मद तुगलक, हाँ कौन नाम था मोहम्मद तुगलक, तो मोहम्मद तुगलक क्या कहता है मंगोलों के आक्रमण में मारा जाता है, ठीक है। मंगोल से लड़ते लड़ते ही मर जाता है और इसका सिर काट के वो लिए जाता है, तभी ये जो है ये सब देख के ये बहुत प्रेरित हो जाता है और सीधे जो है सबको समझा रात पाट जाए के जो है एक तरफ से एक साइड बैठ जाता है, बैठे बैठे निकल जाता है। हाँ क्या कहा मैंने बताया था ये आया था इतने मैंने बोला तो भाई लिख गया होगा अपना, ठीक है। जब ये तो क्या था इनका जो बलबन का बेटा जब मर जाता है तब ये थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है और सब क्यों झाड़ के बैठ जाता है और ये जो है रात में मर जाता है, तब आता है इनका एक कौन था स्लैब, कौन था स्लैब ये था आपका नहीं स्लैब नहीं इनका बेटा नहीं मोहम्मद तुगरिल का बेटा है, आता है टैकू पास इनका जो है सर कौन है टैकू पास, टैकू पास ये आते हैं 1287 से 9 तक, ठीक है। तो स्लैब डांस के बाद है ना 90 तक के लिए 1200 कहां से स्टार्ट हुई थी स्लैब डांस की, कहां से स्टार्ट हुई थी वो जो भी एवर के डांस 1200 6 से, हां 1206 से 90 तक, तो 1206 से जाते 90 तक यानी कि इनके पास करना, ठीक है। अब देखिए इनका क्या था, ये थे फखर उद्दीन, इन्होंने जो है इसको सिंहासन पर बैठाया, फखर उद्दीन दिल्ली का कोतवाल था जिसको बलबन ने बनाया था, ठीक है। फखर उद्दीन कौन था, दिल्ली का दिल्ली कोर्ट का एक क्या था कोतवाल, अरे कोतवाली गए जो अरे कोतवाल पुलिस पुलिस में वो मान लो ऐसा ही दरोगा नहीं है ओ हेड सिक्योरिटी हेड, हां वो वाला अब जो है इनको क्या करता है, इनको किल करते हैं कौन, किल्ड बाय खुद
खुजली रहने तो ये खिलजी फैमिली जो है इन्हें मार देती है। तो खिलजी फैमिली को किसको पैकू बात को मार देती है और यहाँ से स्टार्ट होती है। पैकू बात तो छोटा का छोटा सा बच्चा था। कहाँ? हाँ मैंने पढ़ा था। हाँ छह साल का छोटा सा बच्चा था। ये नहीं था कौन था? बच्चा नहीं वो हम बता देंगे कौन था। वो इनका बेटा आएगा अलाउद्दीन खिलजी का। वो होता है छह साल का बच्चा जिसको बैठाया था सीट पर। हाँ क्योंकि वो अभी इसका बताते हैं देखिए वही आने वाला है। क्योंकि बड़ा बेटा जो था इनका खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का जो बड़ा बेटा था वो थोड़ा अलग टाइप का था। हाँ जैसे तो मेंटली डिस्टर्ब था वो इसीलिए जो है उसको नहीं मनाया जाए। खिलजी क्या है ये कब से करवाते हैं? अब खिलजी जाएंगे के फाउंडर कौन थे? वो जलालुद्दीन थी। जलालुद्दीन थी तो जलालुद्दीन जो है इसके जो है चाचा और ससुर जी दोनों चाचा और ससुर जी। हाँ उनकी बेटी शादी कर लेता है तो ससुर भी जीवन जाता है ना। तो ये खाली फाउंडर रहते हैं फिर आता है अलाउद्दीन। ये 90 से लेकर के 96 तक रहते हैं ठीक है। फिर आता है अलाउद्दीन इतने तक आता है ठीक है। अब ये क्या करता है कि पहले तो इनको मारता है रिलीज शादी करता है और फिर ये जो है इधर उधर आक्रमण करना स्टार्ट करता है और यही जो है कितना 1306 में जो पद्मावत होते हैं ना उनके राजा क्या नाम होता है? कुएं से क्या बोलते हैं पेशावर कौन से बाजीराव? हंसलो बाजीराव के पाजी नहीं वो भी बाजीराव होते हैं। बाजीराव तो एक बार बाजीराव वॉरियर्स को बोला जाता है जो बीन वॉरियर राजा रणजीत सिंह रणजीत को कुछ सुना नाम जो उनका नाम नहीं याद आ रहा किनको मारते हैं। अलाउद्दीन गैस पद्मावत के पति जो होते हैं तो पद्मावत के पीछे ये इनको मार देता है। और कौन था खिलजी तो ये जो था ये फर्स्ट तुर्किस था फर्स्ट तुर्किस सुल्तान ऑफ दिल्ली। हाँ ऑफ दिल्ली था who separated the political fine who separated the religion from politics ऐसे तो पहले भी थे जिसने उनको उबारी। हाँ लेकिन ये पहला था जिसने रिलीजन और इसने जो है एक सेंटेंस बोला था कि किंगशिप नोज नो किंग्स किंगशिप नोज नो किंगशिप नोज नो किंगशिप इसका मतलब क्या होगा? राजा पंती कोई किंगशिप नहीं जानती। हाँ नहीं अदा है कि जो राज है किसी रिलेशन को नहीं मानता। हाँ कि राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता है वो सहसा उसने जलाल दिया मतलब तो चाहे अपने ससुर राजा से कोई रिश्तेदार नहीं जानता ठीक है। कि राजा से किसी रिश्तेदार को ना जानता है मानता है वो बस अपने राजा से मतलब रखता है कोई किसी को भी नहीं करता। अब देखिए अब जो अलाउद्दीन जो है इसका इंपीरियलिज्म क्या था कि कहां से आता है जिसने जो है जीता था गुजरात। तो देखिए गुजरात रणथंभौर मेवाड़ मालवा और जालौर। हाँ ये इसने जो है 1298 1301 में 1303 1305 और 1311 तक में जो है जीते थे ठीक है। और फिर आ रहा है मलिक कौफ। अब इसका नाम राज
कि देखो मैप के अकॉर्डिंग इसी में बता देना चाहिए कि जो तुम्हारा ये था मैप इधर से जो भी था इस तरीके से चला गया मैप ही हमसे गलत बनता है। पाकिस्तान अरे तुम्हें इतना बनाना चाहते थे कि देखो ये नॉर्थ में खिलजी था और साउथ वाली डेक्कन में जो है इसने मलिक कपूर में लिया था। एक तरफ मलिक कपूर बाल बोल करके भी जो है सब जीत रहा है किले में किले और एक तरफ ये खिलजी, तो इतना इधर का एरिया जो ऊपर का था वो लिया था और इधर का जो है मलिक कपूर। तो ये है यहाँ अलाउद्दीन था, जी अलाउद्दीन और इधर जो है मलिक कपूर है ना, ये कौन सा कौन इनका जो है कमांडिंग चीफ। सेनापति हाँ इनका सेनापति था। तो ये जो है दोनों जगह जो है करते रहे। डक्कन में क्या किया इसने, किसको रामचंद्र को मारा यादव ठीक है, और प्रताप रुद्र जी, वीर प्रताप रुद्र जिनको आता है, वीर बलराज, बलराज और वीर पांड्या इनको सबको जो है वहां के ये सारा जो है इधर एक्वायर कर लेता है पूरे डक्कन का। सेनापति हाँ तो मलिक को सेनापति भरोसा। अब देखो इन्होंने जो है चार ऑर्डिनेंस बनाए हैं। तो चार ऑर्डिनेंस कौन से, पहली ऑर्डिनेंस का मतलब था कि जो धार्मिक रिलीजियस भूमि थी यानी कि लैंड से रिलीजियस लैंड और दान में दी गई है उसको क्या है, उसको कब्जा करना कि जिसको जिसने जब रिलीजियस के लिए पड़ी है पता लगा उन्हें कहा कि मंदिर के लिए पड़ी है मस्जिद के लिए पड़ी है सब कब्जा कर लेता था, और दूसरा क्या कि दान में दी गई है किसी को पड़ी है पैसा भी ले तो लेते वो भी कब्जा कर लेता था। तो पहला ठीक है क्या था कि इसमें जो है स्पाई स्पाई सिस्टम स्टार्ट किया था कि वो भी ये भी रखेगा अपने जासूस ठीक है। थर्ड ऑप्शन में बताया था कि कोई भी दारू नहीं पिएगा ना बनाएगा, क्योंकि मुस्लिमों में कहा जाता है कि दारू जो है हराम होती है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, दारू जुआ ये सब जो है ये नहीं तो अभी अब तो सारी जगह अब तो ब्राह्मण भी वो खाते हैं ना नाम नाम वेज दारू भी पीते हैं वो भी करते हैं वैसे मुस्लिमों में भी। इनका जो फोर्थ ऑर्डिनेंस था इन्होंने बताया कि नोबल लोग जो है यानी कि रईस ठीक है, तो नोबल लोग सवाई नहीं कर सकते और बिना हमारी मर्जी के कोई शादी नहीं कर सकता कहेंगे ठीक है, ना अपनी कर सकता ना अपनी बहू भी कर सकता कोई नहीं कर शादी कर सकता था। हाँ तो पूछना हाँ प्रदूषण कुछ शादी करवा दे फिर एक दाग था जो दाग दा इसने क्या करता हाउस के ब्रांडेड करता था, हाउस ब्रांड हाउस के ब्रांड जो होते हैं मतलब कितने कितने तरीके के किस टाइप के हॉर्सेस जो हैं अलग अलग जगह से खरीद के लाता था इनको जो है दा बनता था ठीक है। और एक था चेहरा, चेहरा जो था इसने इसकी जो सेना जो ग्रेवरी का काम करती थी उनको उनको रखा जाता था ठीक है। हमारे देश तो उनके जो सोल्जर्स थे उनके बारे में जो है इसमें सोल्जर के डीड्स लिखे जाते थे। का जो कि है क्रिकेट मैच महान गए हैं उनके बारे में यहाँ पर इनको प्राइज दिया जाता था। सराय अदल जो थे वो पहले एक मार्केट थी, अलाई बोर्ड बनवाया था ठीक है, अलाई दरवाजा एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार। तो यही जो है अभी बताया था ना अलाई दरवाजा जो कि कुतुब मीनार के सामने अपनी मस्जिद बनाया जाता था, दूसरी मस्जिद कहता था कि हम कुतुब मीनार से बड़ी अपनी बनाएंगे, लेकिन क्या किया कि मलिक काफूर ये इनको दिया कंस्ट्रक्शन का काम, इसे ध्यान तो थे नहीं बस बस बनाते गए, पता लगा वो उठ के रिबन गए तो गिरने की कगार पे लेगा तरह से क्या कि महाराज ये नहीं बन पाएगी दरवाजा रहने देता है, अब इससे बोल दिया कि कुतुब मीनार जाने का यही दरवाजा है बस उधर से रास्ता बना दिया।
और हजार सुल्तान ये था क्या था, ये आपका है पैलेस ऑफ थाउजेंड किलर्स, पैलेस ऑफ थाउजेंड किलर्स। हाँ, एक पैलेस बनाया था जिनमें थाउजेंड पिलर लगा थे, उसका नाम क्या था, हजार सुल्तान। पैलेस बनवाया उसने हजार पिलर से बात, बस वो फेमस है और क्या, हजार पिलर का ये है और क्या है अमीर खुसरो पोएट भी है और म्यूजिशियन भी है। अब आता है देखो इनका पतन, देखिए जब आपका 1316 में खिलजी जब मरता है, अलाउद्दीन खिलजी मरता है, तब क्या करता है मलिक काफूर अपने आप मरता है सुल्तान वहां का, ठीक है, और एक उपाधि लेता है कौन सी, हजार दिन खिलजी नाम से बैठता है गद्दी पर, ठीक है, मलिक काफूर कौन सा अलाउद्दीन, अलाउद्दीन डाइड इन 1316 में मरता है, ठीक है, तब आता है मलिक कपूर, किस नाम से मलिक कपूर ये उपाधि देता है किसके, हजार दिन है हजार दिनारी की उपाधि लेके जो है ये बैठता है सिंह पर, और अब देखो इसके जो यहाँ पर जो इसके जो खिलजी के रॉयल फैमिली थी, इसने कह दिया मलिक कपूर को मार डाला, ठीक है, लेकिन ये जानता था कि मरने वाले हैं, तो इसने कह दिया कि जो इनके अलाउद्दीन के दो बेटे थे, सन थे, क्या नाम उनका था, एक बड़ा था, हाँ एक बड़ा था जो कि 10 साल का था, एक 6 साल का था, ठीक है, तो इसने कह दिया कि मुबारक और सियाबुद्दीन, ये था आपका मुबारक खान और ये था सियाबुद्दीन, ठीक है, इनसे कह के इनको तो जेल में डाल दिया, इसको जेल में डाल दिया और इसको जो है प्रिंस घोषित कर दिया, हाँ इसको प्रिंस बना दिया, तो ये क्या कहता है जब इसके जब खिलजी फैमिली जो है इसको मलिक काफूर को मार देती है, तब ये बाहर निकलता है जब से और इसके अंडर में काम करने लगता है, इसके सियाबुद्दीन, लेकिन ये जब ये मौका पाता है तो इसको मार के लात लगा देता है, अपने आप बैठ जाता है सीट पे, अपने आप सीट पे बैठ जाता है, तो ये क्या करता है कि ये थोड़ा जो है अलग ग्राम का होता है, थोड़ा सन के टाइप का, हाँ तो मलिक कपूर उनका सेनापति होता है, ये बन जाता है सेनापति जवान का राजा, ठीक है, लेकिन इनकी जो फैमिली होती है ना, इनकी फैमिली के जो और लोग होते हैं वो क्या करते हैं इसको मार देते हैं, इसको मार देते हैं, तो इसके इससे पहले ये क्या करता है, इसको जो है सियाबुद्दीन को प्रिंस बना देता है ना, ये इनका बेटा होता है अलाउद्दीन खिलजी का,
तो अब इसको जो है जेल में डाल देता है, क्योंकि ये बहुत जो है उल्टा सीधा दिमाग का था, कुछ ना कुछ ऐसे काम करता रहता है जो कि हर समय गलत होता रहे, तो इसको जो है जेल में डाल देता है। जब ये मर जाता है तब मलिक का बॉस इनकी कंपनी मार डालती है इनको, तब ये निकलता है और इसके अंडर में काम करने लगता है। ठीक है, जब फिर ये एक दिन इसको मौका मिलता है तो ये इसको मार के, मारता नहीं बल्कि इसको हटा देता है गद्दी से और अपने आप बैठ जाता है। अपने आप बैठ जाता है तो इसका एक दोस्त होता है जिसको ये बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसका मतलब क्लोज फ्रेंड होता है। हाँ, इसी की तरह सबकी होती है, लेकिन वो क्या था, वो थोड़ा चालाक था, वो दिमाग था, वो ऐसे जो है बढ़ा चढ़ा के कहता, तुम राजा के बेटे, तुम राजा हो, ये है वो है, उसको बहुत ऊपर बढ़ा चढ़ा रहता था, तो उसको ये बहुत मानता था। इसने अपने महल में आने जाने की उसको फुल परमिशन दे सके थे, कुछ भी करो, जो डिसीजन लोगे बहुत मारे से लेकर किया जाएगा, ऐसा कर दिया उसको। और देखिए उसको क्या किया था, तुम साहब जो मुबारक, इसका जो फ्रेंड था, इसका फ्रेंड, इसका नाम था मुबारक, इसका नाम क्या था, मुबारक खान, और इसके दोस्त का नाम क्या है, मुबारक हसन। इसने क्या किया, इसको अपने पूरे महल में आने के लिए फुल परमिशन दे दी थी, ये उसके महल के अंदर के एक-एक चीज से वाकिफ हो गया था, ये मुबारक खान, मुबारक हसन। और इसने मुबारक खान ने मुबारक हसन को एक उपाधि दी थी, वो है खुसरो खान, इसी को क्या नाम दिया, खुसरो खान। ठीक है, खुसरो खान की उपाधि दी इसको। खुसरो खान क्या करता है, मुबारक खान को मार देता है। ठीक है, जो हाँ मैंने और यही जो है नसरुद्दीन का टाइटल लेके बैठता है। नसरुद्दीन क्या नाम रखता है, नसीरुद्दीन ना, नाम कैसा है, नसरुद्दीन की उपाधि लेकर जो है ये कब बैठता है, 1320 में ये बंदा है राजा, कौन, मुबारक हसन। कौन था पहले देखो, ये मरे, ये बना, इसने इसको बनाया, इसको इसने मार दिया, इसका फ्रेंड इसको मार देता है और उपहार देता है इसको ये, लेकिन ये क्या है, जब गद्दी पर बैठता है तब ये वाले उपहार देता है। ठीक, ठीक बनता है, ठीक होता है ये बड़े है ना। अच्छा उसका बड़ा भाई, हाँ, मतलब बड़ा हुआ तो दोनों तरफ अब बता रहे हैं खुसरो खान यानी कि मुबारक हसन। चौदह साल फिर 14-15 साल हो गए इसको क्या करता है, इनको मार देते हैं कौन, को तुगलक। हाँ देव पहले तो इंक खाइए। चलिए देखिए इनको, ये नसरुद्दीन जो गद्दी पर बैठते हैं कौन होता है, ये मुबारक हसन। तो मुबारक हसन नसरुद्दीन यानी गद्दी पर बैठते हैं, इनको क्या कहता है, ये मार देते हैं आगे कौन, गाजी मलिक। हाँ, गाजी मलिक जो है मुबारक इनको नसरुद्दीन को मार देते हैं। ठीक है, और ये इनका एक बेटा भी होता है, क्या नाम उसका होता है, हाँ फखरुद्दीन का, एंड फखरुद्दीन जौहर, ये दासन, ये है आएंगे स्वागत। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, मार देते हैं इनको नसर देखो, और यही से जो है खिलजी डायनेस्टी का समापन होता है। तो खिलजी डायनेस्टी जो है उनका नाम सबसे ज्यादा है, अब आती है तुगलक डायनेस्टी, क्योंकि ये होते हैं तुगलक। फिर कौन तुगलक होता है कि और अब आता है दिल्ली में तुगलक। हाँ तुगलक तुगलक फिर इनका बेटा
टाइम कितना हो गया? चलो इसको नोट कर लेगा फिर तुम जाए आगे बढ़ाए सर इसी पता है ज्यादा पीछे ले जा रहे हो चलिए इधर आ जाइए कौन है तुगलक तुगलक जो किसको मारता है ये हाँ मुबारक हसन यानी नसरुद्दीन को मार के बैठता है कौन आपकी गाजी में गाजी मलिक जो है गाजी मलिक ये टाइटल देता है किसका ठीक है और एक तुगलक है ठीक है फाउंडर होता है गयासुद्दीन तुगलक हो गया अब ये जब एक एक्सीडेंट में मर जाता है तो इनका आता है सन उसका नाम क्या आता है उलूग खान या फिर इसका नाम सारे मिलते ना अभी इसका क्या नाम बताया फखरुद्दीन जो नाम नहीं फखरुद्दीन जो नाम इसी को बोलते हैं उलूग खान ठीक है उलूग खान और इसी को क्या बोलते हैं इसीलिए आपका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक तो ये सारे नाम एक ही हैं एक दो तीन ये सारे किसके नाम है एसी के जो पुत्र है इनके सारे नाम एक ही आना ठीक है इतने नाम एक ही जो है बैठा मोहम्मद बिन तुगलक आता है ये कब से 1325 से लेकर के 51 ठीक है और ये जो है इसके पांच एंबिशन प्रोजेक्ट होते हैं कितने पांच ये पांच एंबिशन प्रोजेक्ट करता है इसको यहां से ले आइए ये जो है पूरा बहुत लंबा अपना राजपाट चलाना चाहता है बहुत जगह पर इसीलिए जो है पांच एंबिशन रहता है पहला क्या है टैक्सेशन जो दोआब था टैक्सेशन लगा रहा है हाँ दोआब है दोआब क्या था दो नदियों का समूह जो होता है एक जहां मिलता है उसको दोआब बोलते हैं और ये गंगा और यमुना दो नदियों ने वहां पर जो है टैक्स लगा देता है क्योंकि वहां से फसल का व्यापार होता है ठीक है और ये लगभग उसका 20 गुना जो है 20 टाइम टैक्स इंक्रीज करता है हाँ सुन लिया 20 गुना टैक्स बढ़ा देता है ठीक है और टैक्स देखो इसने दो टैक्स के नाम रखे थे एक घड़ी जो कि घरों पे होता था हाउस टैक्स ठीक है और एक चराई होता है जो कि पॉश टैक्स होता है चरवाहों पे यानी कि वहां जानवर चराने का भी टैक्स पड़ता था हाँ ऐसा रखता है क्योंकि नदी किनारे ज्यादा घास लगी रही है पानी पीते थे तो पानी पीने जो आते थे और घास आते थे उसका भी टैक्स लेते थे ऐसा से इसने बोलते हैं दीवाने खोरी जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता था जो कि एग्रीकल्चर पे टैक्स होता था और इसने क्या किया दूसरा इसका मिस था हाँ कैपिटल इसमें तीन बार कैपिटल चेंज किया ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इसने क्या किया कि दिल्ली से कहाँ ले गया देवगिरी लाया था उसी का नाम रखा दौलताबाद ठीक है देवगिरी या फिर इसको लिखा दौलताबाद ठीक है तो ये देवगिरी या दौलताबाद इसने क्या किया दूसरे एंबिशन में इसने क्या किया कैपिटल ट्रांसफर करके और यहाँ ले गया क्यों क्योंकि ये पहले क्या था नॉर्थ में था ये डेक्कन में आया डेक्कन में इसने क्या किया ये देवगिरी जहाँ इसने ये बनाया थे दिल्ली से लेकर के सीधा दिल्ली से लेकर डेक्कन में कहा कि वहां से जो है हम पूरा साउथ इंडिया पे भी कवर कर लेंगे लेकिन वहां से ये कर नहीं पाए और बाद में इसको ये भी छोड़ना पड़ा है
टोकन करेंसी क्या गया अब जो है पहले बताया ना मैंने वगैरह दे दी टोकन करेंसी पहले क्या गया कि टोकन करेंसी चलाना है दोनों क्या गया इसने पहले मतलब हाँ सिर्फ कॉइन चले गए इस पर इसने क्या किया जा क्या उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज ठीक है तो ब्रॉन्ज इसने कहा कि बोल के क्या आया कि हम सिल्वर को हटा देंगे सिल्वर कॉइन हटा के चलाएंगे ब्रॉन्ज कॉइन ना बोलिए फिर देखो इसका जो फोर्थ एंबिशन था क्या कि प्रपोज खुरासान एक्सपेडिशन अब खुरासान अभियान इसने चलाया कौन खुरासान अभियान खुरासान एक अभियान था या प्रपोजल था जो अभियान ठीक है जो अभियान लिया था हमने खुरासान अभियान था कि खुरासान और कौन सा था इटली इराक का भी इराक तो खुरासान और इराक को जीतने के लिए उसने खुरासान और वहां पर बहुत सारी आर्मी भेजी लेकिन हो गया कि इसके यहाँ कुछ लोग आए थे शरण लेने बहुत सारे राजा इधर के लोग और वो उन्होंने इनको ये टारगेट दिया कि आप जो है खुरासान और इराक को जो है आप जीतिए लेकिन कजाकिस्तान तो इन्होंने कहा कि इसको जो है लेंगे अब कितने सारे लोग थे पता नहीं अलग अलग मत देते थे और सब भरे थे इसके घर पर कहीं भी जाता था बेचारा अकेले बढ़ जाता था तो धीरे धीरे क्या है इसकी हर जगह आ रही है उसको ये वाला भी छोड़ना पड़ा यानी कि ये वाले दोनों इसके फैल ये वाला और ये वाला और टैक्स इतना कोई देने की चीज नहीं था ठीक है ये वाला चलाया है ये जाने को कैसा चलाया है तब इसके प्रॉफिट हुआ है जो बंदा का सब फील रहे तो देखो इसी के टाइम में जो है मदुरई इंडिपेंडेंट हुआ था जलालुद्दीन हसन शाह से ठीक है इनको कराया था फाउंडेशन ऑफ विजयनगर हरिहर और गुप्ता के लिए ये आपका पूछा पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो किसने फाउंड उसका फाउंडेशन किसने कराया था तो दो भाई थे हरिहर और गुप्ता उनका लिख दीजिए और वो किना था 1336 में ठीक है और ये जो है छट्टा में मर जाता है छट्टा एक जगह है तो वहां ये प्रचार कर रहा था हमने चुनाव ताकि एक क्या होता है तुर्की गुलाम होता है वो इनको जो है मारने का है अपने व्यापार करने के लिए गया था कि हमसे सब लोग परमिशन ले आओ ना भाई एक तरीके वही हो गया चुनाव में तो हुआ भाई यहाँ के क्या कहते नेता लोग लेने लगे थे जो भी आपको कंपनी चलानी है कोई कहते हैं कोई भी संस्था चलानी है तो सबका रजिस्ट्रेशन मेरे पास करा हम उसका टैक्स देंगे ना तो वही टैक्स के बेस पर जो है
तो यहाँ जाए ये मर जाता है। तो इसका टाइम कितना था? ये मोहम्मद बिन कासिम राजन का कजिन था। मोहम्मद बिन तुगलक था इसका जो है कजिन मतलब अब आधा है कौन फिरोज शाह तुगलक। ठीक है तो आज के लिए इतना क्लास।